तो दोस्तों, आपने पिछले व्लॉग में देखा हॉल ऑफ फेम, जहाँ पे हमारे आर्मी के शौर्य और बलिदान की गाथा काफ़ी अच्छे तरीके से डिपिक्ट करी गई है। तो गाइस, आज हम लोग आपको ले चल रहे हैं एक और लद्दाख का एक्सक्लूसिव कल्चर दिखाने, जो कि है यहाँ पे लद्दाखी हैंडलूम। तो आज हम आ पहुँचे हैं स्टोक विलेज। तो हेलो, नमस्कार और जुले दोस्तों। तो गाइस, आज हम लोग आ गए हैं बिल्कुल इंटीरियर ऑफ लद्दाख के, जो कि है स्टोक विलेज। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि हमें तो पेंगोंग लेक, न्यू ब्रा वैली ऐसी जगह पे जाना चाहिए, तो हम स्टोक विलेज में क्या कर रहे हैं? तो बेसिकली गाइस, हम लोग यहाँ पर आए हैं लद्दाख के एक्सक्लूसिव हैंडलूम्स को देखने के लिए। तो ये हमें कनेक्ट मिला फ्रॉम लूम्स ऑफ लद्दाख, एंड आई रियली वॉन्टेड टू थैंक एवरीवन जिन्होंने हमारे को यहाँ तक पहुँचाने में हेल्प करा। ऑल्सो गाइस, ये जो है लूम्स ऑफ लद्दाख एक तरह का गवर्नमेंट कॉरपोरेटिव सोसाइटी है, जो कि लद्दाख के अलग अलग गाँव में अपने सेंटर्स बनाते हैं, और इन सेंटर्स में यहाँ पे वहाँ की लोकल वीमेंस आती हैं और ये लोग यहाँ पे हैंडलूम्स बनाते हैं। तो इट कुड बी लाइक पश्मीना शॉल, कुछ कैप्स, मफलर, स्वेटर्स और सारे के सारे विंटर वेयर ये लोग बनाते हैं, और इन सब के प्रोडक्ट्स ले जाके लूम्स ऑफ लद्दाख के शोरूम में डिस्प्ले होते हैं, जहाँ से टूरिस्ट आते हैं खरीदते हैं, आप जैसे हम जैसे लोग। सिमिलरली अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं स्टोक विलेज के सेंटर में, जहाँ पे अभी हम बात करेंगे यहाँ के लोकलाइट से और जानते हैं कि वो लोग कैसे यहाँ पे हैंडलूम्स बनाते हैं, कैसे उनकी निटिंग होती है या कैसे उनकी वीविंग होते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं व्लॉग और मिलाते हैं आपको ओरिजिनल लद्दाखी लोगों से, और साथ ही दिखाते हैं उनका कुछ कल्चर, ट्रेडिशन, कुछ म्यूजिक, कुछ डांस। चलिए स्टार्ट करते हैं व्लॉग। हाँ, तो गाइस, अब हम लोग सेंटर में आ गए हैं, जो स्टोक विलेज का ये सेंटर है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरे साथ ये सारी वीमेंस है जो अभी पश्मीना शॉल के ऊपर काम कर रही है। तो ये यहाँ पर अभी स्पिनिंग चल रही है, थोड़ी निटिंग चल रही है, ये सारे प्रोसेस हम आपको एक के बाद एक बताएंगे। बट सबसे पहले मैं आपसे को बताना चाहूँगी कि यहाँ पर टोटल 10 वीमेन काम करती हैं, बट ड्यू टू सम रिस्ट्रिक्शन अभी सिर्फ इतनी ही हैं हम लोग इनसे मिल पाए हैं। तो चलिए इन सबसे बात करते हैं, इनके थोड़े लाइफ स्टाइल के बारे में जानते हैं, थोड़े से इनके कैसे हैंडलूम्स बनाते हैं इनके बारे में जानते हैं, और थोड़ा सा जानते हैं लद्दाखी कल्चर के बारे में। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि आप लोगों का नाम एक एक करके, और आप कितने साल से लूम्स ऑफ लद्दाख की कॉर्पोरेटिव सोसाइटी से जुड़े हुए हैं? जुले, मेरा नाम कुंजान टोलमा है और मैं लूम्स ऑफ लद्दाख में काम करती हूँ 2016 से। अच्छा। जुले, मेरा नाम चिमे तन्मा है, मैं 2016 से इधर काम करता हूँ। 2016। जुले, मेरा नाम है सोनम छोंडोल, मैं लूम्स ऑफ लद्दाख में 2016 से काम कर रही हूँ। जुले, मेरा नाम फुनसोक डोलमा है, मैं भी 2016 में मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा जी। जुले मैडम, मेरी नाम सनम डरमा है। तो जैसे कि आप सबने बताया कि 2016 से आप लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं लूम ऑफ लद्दाख में, इसका मतलब जो मैं गेस कर पा रही हूँ, लूम ऑफ लद्दाख गाइस 2016 से स्टार्ट हुआ है, और तभी से इन्होंने इतना एक्सटेंसिवली काम करा है कि इन्होंने हर एक विलेज जाके औरतों को जोड़ा है, ताकि वो भी इस सोसाइटी के साथ जुड़े और काम करें। तो वैसे तो चलिए यहाँ पर आपने आके सीखा, लेकिन क्या आपको ये चीज़ें पहले भी आती थी थोड़ी बहुत? नेटिंग भी पहले से थोड़ा बहुत आता है, और स्पिनिंग भी थोड़ा बहुत पहले से आता था। ये लूम्स का शॉल बनाना ऐसे हम लोग को ट्रेनिंग दिया था, उसके बाद सीखा। 3 महीना हम लोग को ट्रेनिंग दिया डीसी साहब ने। मैं ये आपसे पूछना चाहूँगी कि अभी आप किस प्रोडक्ट के ऊपर काम करिए, अभी क्या बन रहा है यहाँ पे? यहाँ पे जो बन रहा है कैप, स्वेटर, हेडबैंड, नीटिंग का सार सब कुछ बन रहा है, और शॉल का जब ऑर्डर आएगा ना तब बनता है, मैम लेते हैं। अच्छा। वैसे यहाँ स्पिनिंग भी हो रहा है, कार्डिंग भी हो रहा है, सब कुछ यहाँ हाथ से ही होता है। अच्छा ठीक। तो यहाँ पे जो आप जो बना रहे हैं स्वेटर, कैप, इनके जो जैसे कि वूल है, ये वूल कहाँ से आता है? ये चंगतान से लेते हैं मैम। अच्छा, चंगतान से लेते हैं, और हमारा शॉप में 6 मेंबर रखा हुआ है, वो लोग चंगतान से ला के हम यही सेंटर को डिवाइड करते हैं, फिर यहाँ पे बनाते हैं, फिर तैयार होके शोरूम में पहुँचाते हैं, फिर सेल होता है हमारा। अच्छा, जी मैम, जैसे कि सबसे पहले रॉ मटेरियल आया,
तो आप उसको क्या करते हैं? हाँ जी, वहाँ से ला के हम लोग पहले धोता है गर्म पानी से, क्योंकि इसमें जो बहुत गोबर वोबर पूरा कटते समय पूरा मिक्स करके ऐसे गोल करके बोरी में डाल के बेचता है। फिर वहाँ से ला के हमें धोना पड़ता है गर्म पानी से, फिर उसके बाद सफाई थोड़ा बहुत ऐसा करना पड़ता है, फिर उसके बाद कार्डिंग करना पड़ता है, फिर स्पिनिंग होता है जी। तो गाइस यहाँ पे अभी हम बात करें तो पता चला हम मेरे को कि जितना ज़्यादा शोरूम में यहाँ पे सेल होता है उतना ज़्यादा इनको यहाँ पे परसेंटेज मिलता है। फॉर एग्जांपल जितना ज़्यादा स्टॉक गया, फॉर एग्जांपल अगर ये स्टोक विलेज है यहाँ से ज़्यादा प्रोडक्ट बिका तो यहाँ के लोगों को उसका 50% मिलेगा। सिमिलरली किसी और विलेज से बिका तो वहाँ के लोगों को उसका 50% जाएगा। तो ऐसे ही कॉरपोरेटिव सोसाइटी काम करती है। तो गाइस यहाँ पर फाइबर्स को अच्छे से धोने के बाद उनको और अच्छे से क्लीन करा जाता है। यहाँ पे एक एक फाइबर्स को बड़े ही बारीक तरीके से निकाला जाता है और उसको नेक्स्ट प्रोसेस के लिए भेजा जाता है। तो ये जो प्रोसेस है ये है कार्डिंग प्रोसेस। इसमें ये जो टूल यूज़ कर रहे हैं ये हैंडमेड टूल है। इस पर काफ़ी सारे स्पाइक्स लगे होते हैं जिससे ये सारे के सारे फाइबर्स एक साथ अलाइंड हो जाते हैं। इस प्रोसेस को कार्डिंग प्रोसेस कहते हैं। ये प्रोसेस के ख़त्म होने के बाद फाइबर्स का एक गुच्छा निकलता है और उसी गुच्छे से आगे जाके स्पिनिंग का काम होता है। तो दोस्तों यहाँ पे सारा हाथ का काम होता है, इवन इनके टूल्स भी हैंडमेड होते हैं। और आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पे फाइबर अलाइंड हो चुका है और इन्हीं फाइबर्स को लेके यहाँ पे स्पिनिंग प्रोसेस चल रही है और उससे हैंडमेड तरीके से यार्न्स बन रहे हैं। इन्हीं यार्न से आगे जाके कपड़े बनेंगे। ये ट्विस्ट करने के लिए ये थोड़ा वजन के लिए डाला मैंने, होता हाँ आलू डाला। अच्छा। होता तो लकड़ी का बना हुआ होता है, इसमें गोल करके इसमें छेद होता है, फिर इनमें फिट करने से ये ज़्यादा चलता है ऐसे ट्विस्ट के लिए। अच्छा। हाँ अभी वो नहीं तो घर में तो होता है, यहाँ भी नहीं है ना, इसीलिए आलू डाला। अच्छा। फिर ऐसे करके ज़्यादा घूमता नहीं तो निकाल के वही तो दोस्तों ये है मैनुअल स्पिनिंग मशीन जिसमें पेडल की मदद से यहाँ पर स्पिनिंग करा जा रहा है। यहाँ पे ये स्पन करे हुए यार्न्स मोस्टली मोटे यार्न्स होते हैं और इस वजह से ये रग्स और कारपेट में यूज़ होते हैं, लेकिन पतले पतले स्वेटर्स बनाने और कैप्स बनाने में अभी भी ये लोग हैंड स्पिनिंग का मेथड को प्रेफर करते हैं। फिर गाइस ये है निटिंग। इस प्रोसेस में फाइनली उन यार्न्स को यूज़ करके निटिंग करी जा रही है और इसको हिंदी में हम बुनाई भी कहते हैं, जिसके बाद ये प्रोडक्ट्स बनके रेडी हो जाते हैं और आगे फिनिशिंग प्रोसेस के लिए भेज दिए जाते हैं। यहाँ पर ये आके बेचारा इतना शांति से बैठ गए, तो चलो ये मेरे पास बैठ गए, तब तक हम मैम से और पूछते हैं कि बेसिकली ये जो आप जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं ये सिर्फ और सिर्फ वूल के कलर का होता है, नेचुरल होता है? अगर किसी को कोई डाई कोई कलर करवाना हो तो, और वो करते हैं आप? हाँ अभी कोशिश कर रहा है, आज इस साल अभी थोड़ा बहुत नेचुरल डाई की कोशिश कर रहा है। इस साल मैरीगोल्ड वॉलनट ऐसे कलर हमने ट्राई किया है, नहीं तो पहले सब नेचुरली होता है। तो जैसे कि आपने ये प्रोडक्ट बनाया बट कभी कभार तो कुछ ना कुछ तो डिफेक्ट हो ही जाते हैं, लाइक ऑब्वियसली ह्यूमन बींग है आप भी, तो वो फिर कैसे आप रेक्टिफाई करते हैं या फिर उसका क्या प्रोसेस होता है? हाँ जो हमारी लुमसुप लद्दाख में डिज़ाइन ऑफिसर बोल के है, फिर यहाँ से शोरूम जाके वो चेक करता है कि इसका फिनिशिंग ठीक है कि नहीं, फिर वो जैसे कि कैप में थोड़ा बहुत वो हो सकता है, सॉक्स में एक छोटा बड़ा हो सकता है, वो सब कुछ रिजेक्ट करके वापस आता है, फिर दोबारा ठीक करके ही जाता है। वैसे वहाँ शोरूम पे हमारा डिज़ाइन ऑफिसर बोल के ऑफिसर में है, हाँ वो चेक करती है, फिर वहाँ से रिजेक्ट होके आती है मैम। अच्छा जी, तो मैम जैसे कि आपने भी यहाँ पे बताया कि आप पश्मीना शॉल भी बनाते हैं, लेकिन पश्मीना शॉल जितना हम लोगों ने सुना है कश्मीर का पश्मीना शॉल ज़्यादा फेमस है,
तो असली में क्या इसकी सच्चाई है, क्या वो कश्मीर में बनता है या फिर क्या वो लद्दाख में बनता है? अच्छा, यहाँ से चंगताओं से खरीद के उधर जाता है, उधर क्योंकि मशीन ज़्यादा चलाता है मैडम, यहाँ तो हाथ से चलाता है, हाथ से सब कुछ हाथ से बनाता है, स्पिनिंग सब कुछ, कटिंग सब कुछ हाथ से होता है, उधर मशीन ज़्यादा चलाता है, इसी तो इसीलिए वो पतला बनता है, यहाँ धागा हाथ से बनाता तो थोड़ा मोटा बनता है। हाँ जी, होता तो यहाँ चंगताओं में होता है, उधर कश्मीर में इतना नहीं होता मैडम जी। फिर यहाँ उधर जाके उधर तो मशीन का ज़्यादा, मशीन का चला तो अच्छा भी देखता है, उधर कलर भी करता है, यहाँ कलर नहीं करता है, आजकल थोड़ा सा वो कलर करता है, नहीं तो कलर नहीं नेचुरल ज़्यादा बनता है मैडम जी, इसलिए। तो गाइस जैसे कि आप सबको पता है कि लेह और लद्दाख कितना ज़्यादा एक्सट्रीम ऑल्टीट्यूड पे है, और इस ऑल्टीट्यूड पे भी यू नो चीज़ों को मैनेज करना इटसेल्फ इज़ अ बिगेस्ट टास्क। तो मैं पूछना चाहूंगी कि आपका यहाँ पे लद्दाख में इस तोक विलेज में रहन सहन कैसा है, क्या चैलेंजेस आप फेस करते हैं? जैसे कि अभी इस टाइम पे तो चीज़ें काफ़ी खुली हुई हैं, चीज़ों इतनी महंगी भी नहीं है, लेकिन सर्दियों में कैसा होता है यहाँ पे सीन? सर्दी में तो हम लोग को तो थोड़ा बहुत मुश्किल भी है मैडम जी, सर्दी बहुत होता है, बर्फ भी ज़्यादा गिरता है यहाँ, फिर भी हम लोग लकड़ी जला के बुखार सिर्फ बुखार जलाता है, हाँ हाँ बुखार ही बोलता है ना, लकड़ी गोबर वही जलाता है मेरा। अच्छा जी, और यहाँ पे फिर खाने पीने का कैसे व्यवस्था आप करते हैं? खाने पीने का तो हम लोग वही आलू या मूली शलगम सब कुछ कट्टे करके हम लोग एक ही जगह में रख देते हैं मेरा। अच्छा, हाँ वो छः महीने के लिए कटे करता है। हाँ मैडम, अपना खुद भी होता है मैडम जी, खेत में होता है, वो कटे करके सर्दी के लिए रख देता है। हाँ, फिर वो क्या बोलता है उसका गोबर लकड़ी सब कुछ तो अपना खुद का होता है मैडम। हाँ वही करता है। और कितनी बर्फ, कितनी कितनी फीट की बर्फ़ पड़ती है यहाँ पे? हाँ तो कभी कभी तो ज़्यादा तो एक फुट तक, दो फुट तक नहीं गिरता मैडम। उसी में वो बहुत जम जाता है, पानी भी बहुत जम जाता है। हाँ। आजकल तो हैंड पंप का व्यवस्था है, नहीं तो पहले तो हम लोग ऊपर तक वो गए लेके जाना पड़ता है जी। और जब आप ठंड के टाइम यहाँ पर आते हैं ये चीज़ें बनाने के लिए, तब तो बिल्कुल हाथ भी जम जाते होंगे, फिर कैसे काम करते हैं? हाँ, फिर भी क्या करो मेरा, हम लोग तो काम तो करना ही करना है, फिर भी बुखार जला के ऐसे साथ साथ में रह के ऐसे क्या बोलते हैं ऐसे गोल करके बेचते हैं सब इधर आग के सामने, फिर बनाते हैं मैडम। मुश्किल तो बहुत मुश्किल है यहाँ। हाँ। जी तो गाइस चलिए अब हम इस व्लॉग के एंड और क्लाइमेक्स पॉइंट पे चलते हैं और पूछते हैं कि इन लोगों का एंड मैसेज क्या है, गवर्नमेंट के लिए या हम जैसे लोगों के लिए या टूरिस्ट के लिए, वो क्या चाहते हैं अपना मैसेज लोगों तक पहुँचाना? टूरिस्ट लोग से यही रिक्वेस्ट करूंगी, जो लोकल जो ये हमारी तरह आर्टिजन जो काम कर रही वही से ज़्यादा खरीदे, क्योंकि हम लोग जैसे आर्टिजन को ज़्यादा फ़ायदा हो, क्योंकि हमारे ये जो सामान यहाँ से जाता है वो थोड़ा महंगा होता है, क्योंकि पूरा हाथ से बनाता है, फिर ज़्यादा भी टाइम लग जाता है, इसलिए थोड़ा महंगा होता है। सो गाइस दिस इज इट फॉर दिस व्लॉग, जहाँ पे हमने आपको दिखाया कि कैसे यहाँ पे लद्दाख की लोकल वीमेंस आके सेंटर बाय सेंटर पे काम करती है, निटिंग करती है, वीविंग करती हैं। साथ ही अभी गाइस यहाँ पे ओनली निटिंग का काम चल रहा है, तो इसलिए हमने आपको दिखाया यहाँ पे निटिंग के प्रोडक्ट्स जो ये लोग बनाते हैं, वीविंग का प्रोडक्ट अभी ये लोग अभी नहीं काम कर रहे हैं। तो अभी तक का व्लॉग आपको कैसे लग रहा है आप हमारे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और हाँ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन डू हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए, ताकि हम ऐसे ही लोकल लोगों से जुड़े हुए कल्चर और काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम की चीज़ें आप सबके सामने लेकर आते हैं। तो आप ट्राई करिए कि डायरेक्टली आर्टिसन से ही चीज़ें परचेज करिए, या फिर कुछ गवर्नमेंट सोसाइटी जैसे कि लूम्स ऑफ लद्दाख या फिर कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से ही आप चीज़ें या एम्पोरियम से चीज़ें खरीदिए। तो अब हम चलते हैं शोरूम की तरफ और आपको दिखाते हैं और सारे ऐसे एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट जो कि लोकली हैंडमेड है बाय लद्दाखी वेमेंस।
लिए हम लोग आगे हैं लूम्स ऑफ लद्दाख के शोरूम में और हम लोग बैठे हैं अभी सीईओ ऑफ लूम्स ऑफ लद्दाख जो कि हैं लुप्सुंग लामू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैम जुले एंड थैंक यू सो मच आप मेरे साथ इस व्लॉग में आए एंड हमारे व्यूअर्स को एड्रेस करा। सो मैम फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वॉन्ट टू नो कि वट एग्जैक्टली दिस लूम ऑफ लद्दाख एंड ये कैसे हेल्प कर रहा है यहाँ पे लेह लद्दाख के विलेज के जो वीमेंस है या रूरल वीमेंस को कैसे हेल्प कर रहा है। जुले ये लूम्स ऑफ लद्दाख जो है ये वुमेंस कोऑपरेटिव है तो इसमें 200 औरतें काम करते हैं और यहाँ पे 10 सेंटर है जो प्रोडक्शन सेंटर है तो ये सारे प्रोडक्ट जो है वो सेंटर्स में बना के आते हैं यहाँ शोरूम में। तो ये स्टार्ट हुआ था 2017 में अभी ये फोर्थ सेल चल रहा है। तो लामू मैम आई थिंक इट्स अ वेरी ग्रेट इनिशिएटिव बाय लद्दाख एंड फॉर्मिंग अ कोऑपरेटिव सोसाइटी और हेल्प करना रूरल वुमेंस को इट्स एक्चुअली यू नो जो हम लोग को लिटरली ज़रूरत है अभी अपलिफ्टमेंट की। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन वो यही होगा कि कैसे एग्जैक्टली आप उन वुमेंस को हेल्प कर रही हैं और क्या क्या प्रोडक्ट्स आप लोग सोर्स करते हैं उनसे। जी जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं हम लोग यहाँ पे शॉल्स कैप्स स्टॉल पोंचो जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो उसमें जो भी इनकम सेल्स होते हैं तो उसका जो सेल्स होता है जो सारे प्रोडक्ट का वो सब सेंटर्स जो वीमेंस को जाता है वीमेंस को जाता है। जी इसमें हम पश्मीना यूज़ करते हैं शिप वूल यूज़ करते हैं याक वूल कैमल वूल ये सब यूज़ करते हैं। अच्छा। तो इसमें सब में बनते हैं शॉल्स स्टॉल्स स्वेटर्स कैप्स ये सब बनाते हैं ये सब बन जाते हैं। तो गाइस मतलब यहाँ पे ये टोटली फॉर्म्ड है फॉर द वुमेन्स इटसेल्फ और मैक्सिमम यहाँ पे जो प्रॉफिट जो आ रहा है वो डायरेक्टली वुमेन के पास जा रहा है तो फिर उनका भी काफ़ी अच्छा अपलिफ्टमेंट हो रहा है। सो दैट्स अ वेरी ग्रेट इनिशिएटिव मैम एंड ये लूम्स ऑफ लद्दाख के बारे में जानने का मौका मिला जो कि हमें यहीं पर आके गाइस पता चला। सो दिस इज इट फॉर दिस व्लॉग और आई थिंक आपको ये व्लॉग काफ़ी अच्छा लगा होगा एंड अगर आपको अच्छा लगा होगा डू हिट द लाइक बटन शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर न्यू टू इट। और अगर आप भी लेह लद्दाख आ रहे हैं तो फिर आप यहाँ पर आ सकते हैं लेह मेन मार्केट में ही है लूम्स ऑफ लद्दाख का शोरूम आप यहाँ पर ज़रूर आइए और यहाँ पर आके आप ओरिजिनल हैंडमेड बने लद्दाखी प्रोडक्ट ज़रूर खरीदिए जो कि डायरेक्टली यहाँ पर पास के विलेजेस और सेंटर से ये लोग सोर्स करते हैं। तो मैम इसी के साथ मैं चलती हूँ और हम आपसे मिलेंगे एक नए ब्लॉग में नए आर्टिसंस के साथ और दिखाएंगे एक नई स्टोरी। तब तक के लिए बाय बाय बी सेफ एंड जुले 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 जुले।